नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज हम सीखेंगे कि टैली में कंपनी को किस तरह क्रिएट किया जाता है और कैसे अल्टर किया जाता है उस कंपनी को। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखिए टैली खोल रखा है, टैली आरपी खोल रखा है। अभी हम एजुकेशन मोड में हैं, सीख रहे हैं अभी टैली को, तो हम एजुकेशन मोड में एंटर करेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी बनी हुई है और ये गेट ऑफ टैली, यहाँ से सारा काम होता है। देख लीजिए, अगर कोई कंपनी बनी हुई है पर अगर हमें दोबारा नई कंपनी बनानी है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है। उसका शॉर्टकट के नाम क्या है? Alt F1। Alt F1 दोस्तों प्रेस करेंगे यहाँ पर, इससे क्या होगा, कंपनी इन्फो खुलेगा। कंपनी इन्फो खुलेगा, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कंपनी, अभी लॉग इन एज ए रिमोट यानी कि हम एज ए लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी को हमें यूज मेंट करना, तो क्रिएट पर जाएंगे। बैकअप रजिस्टर बाद में समझेंगे दोस्तों, लेकिन पहले क्या समझना है, क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपके आ रहा है कंपनी क्रिएशन, ठीक है, और इसके अंदर आ रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होगा कहाँ पर कंपनी सेव होगी। सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर होगा, उसके अंदर पब्लिक, उसके अंदर टैली आरपी, उसके अंदर डाटा नाम, वहां पर आपकी ये फाइल सेव होगी टैली आरपी की। नेम में क्या आएगा, कंपनी का नेम मान लेते हैं वेद मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी का नाम हो गया। मेलिंग एड्रेस मतलब किसके नाम से बिल बनाना चाहते हैं, तो मैं इसी के नाम से बनाना चाहता हूँ। एड्रेस डाल देंगे दोस्तों जो भी आपका है, जैसे मान लेते हैं न्यू सिंगापुरी। कंट्री कहाँ पर है, इंडिया में। ये दोस्तों वो सारी कंट्रीज है जहाँ पर टैली यूजमेंट होता है, ये सारे उस कंट्रीज के नेम है। स्टेट यानी कौन से स्टेट में, जैसे मान लेते हैं दिल्ली में है, जो सा स्टेट हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड जैसे भी आपको डिटेल पता चले, भी फोन नंबर, फोन नंबर का मतलब हो गया यानी कि वो क्या कहते हैं, 001 से जो स्टार्ट होता है दोस्तों, जैसे कि आप जैसे कहते हैं लैंडलाइन नंबर जो आपका स्टार्टअप होता है वो होता है आपका। मोबाइल नंबर होता है यानी फोन नंबर जो आपका 10 डिजिट का होता है, कोई सा भी डाल देंगे आप। फैक्स नंबर यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए फैक्स किया जाता है दोस्तों, यानी कि प्रिंटेड में, तो वो 6 नंबर का होता है। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस डाल देंगे जो भी आपका है, तो मेरा है ये है। और बाकी वेबसाइट अगर कोई हो, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आएगा कि कब से चालू करें, 1/4/2019 से, जैसा भी आपको डेट चेंज करना वैसा डाल सकते हैं यहाँ पर। बाकी तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल, इसे आगे हम समझेंगे दोस्तों। हमें क्या करना है, एंटर एंटर, और यहाँ पर एक्सेप्टेड को करेंगे यस, यहाँ से आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में क्या आ गया, वेद मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो ये रही दोस्तों हमारी कंपनी क्रिएट होगी। अब मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी कंपनी में क्या होता है कि कुछ कमी आ जाती है या फिर हमें डिलीट करना पड़ता है, तो हम कहाँ से करेंगे, अल्टर से। कहाँ से करेंगे, अल्टर से। और अल्टर पे जाने के लिए हमें एक शॉर्टकट की को प्रेस करना होगा, और शॉर्टकट की का नाम है Alt F3। यहाँ पर क्या खुलेगा, कंपनी इन्फो दोबारा खुलेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, हमने Alt F1 जब किया था कंपनी ये चली गई थी, लेकिन Alt F3 से क्या हुआ, कंपनी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक तरीके से Alt F3 से क्या होगा कि कंपनी के अंदर कुछ भी अल्टरेशन हो वो कर सकते हैं, और Alt F1 से डायरेक्ट कंपनी को आप शट कर सकते हैं। तो देखिए, सेलेक्ट कंपनी तो हमें करना नहीं है, शट कंपनी यानी कई सारी कंपनी खुले हो उनमें से किसी को बंद करना हो उसे शट कंपनी करेंगे। क्रिएट कंपनी भी नहीं करना, अल्टर पे जाना है। यहाँ पर अल्टर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए, कुछ भी अगर आपको सेटिंग करना, मान लेते हैं यहाँ पर न्यू सिम पर ही नहीं कुछ भी डालना था, वो आप डाल सकते हैं। कुछ भी चेंजमेंट करना हो, एनीथिंग, वो आप कर सकते हैं। एंटर एंटर करके सेव डाउन। और अगर आपको डिलीट करना है, ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस डी प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो यस प्रेस करेंगे, अदरवाइज नो। तो ये आपका चीजें होगी, क्रिएट, अल्टर और डिलीट। इसके बाद फिर आपके लेजर बनते हैं टैली के अंदर दोस्तों, और क्या फिर बाउचर। अच्छा करता हूँ, आपको समझ में आया होगा। और वापस जाने के लिए टैली के अंदर स्कैप का यूजमेंट होता है, ESC, योर टॉप में मिल जाएगा आपके कीबोर्ड के ऊपर स्कैप।